गुड इवनिंग एवरीवन। टुडे अगेन इन दिस क्लास, आज फिर से लाए हैं सेंटेंस पैटर्न्स, करेक्ट सेंटेंस पैटर्न्स। एक बार फिर बता दूं, ये करेक्ट सेंटेंस पैटर्न्स किसके लिए जरूरी है? वो हर आदमी जो सही इंग्लिश बोलना या लिखना चाहता है, यदि वो सेंटेंस पैटर्न का प्रैक्टिस करें सो दे कैन हैव कमांड कि वो इंग्लिश को करेक्टली बोल पाएंगे और लिख पाएंगे। जो ऑलरेडी इंग्लिश में अच्छे हैं उनसे कोई ना मिस्टेक हो, उनके लिए एक रिवीजन होगा कि वो किसी भी एग्जामिनेशन में देख ले कि ये पैटर्न फॉलो हो रहा है या नहीं। ये सेंटेंसेस यदि पैटर्न में नहीं है तो देयर इज अ कॉमन एरर एंड यू कैन ट्रैक द एरर्स ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न। सेंटेंस पैटर्न का पता होना और उसके ऊपर कमांड होना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होगी। मैं आज आपको बेसिक ट्रेनिंग देने जा रहा हूं कि सेंटेंस पैटर्न कैसे प्रैक्टिस करेंगे आप। मैं कुछ पैटर्न्स और उसके कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा। बचा आपके हाथ में कितना आप मेहनत करते हैं, कितने ज्यादा पैटर्न्स बनाते हैं। 100-100 पैटर्न्स बनाइए। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर करेक्ट एंड द मोर परफेक्ट यू बिकम। वेल लेट मी स्टार्ट नाउ। Before I start, again I say, you must subscribe our channel. Don't forget to subscribe YouTube channel of Pace Institute or Pratap Manish. My name is Pratap Manish. और Pratap Manish type कीजिए YouTube पर, channel को subscribe कीजिए, like कीजिए और share कीजिए. Don't forget to share with your friends who are the learners of English. ये आप क्या है कि दिस इज कम एब्सोल्युटली फ्री क्लास फॉर एवरीवन, एंड द मोर यू शेयर यू आर गोइंग टू बेनिफिट योर फ्रेंड्स एज वेल। वेल एसर्टिव सेंटेंस में, एसर्टिव सेंटेंस को दूसरे शब्दों में डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, यानी कुछ जो डिक्लेयर करता है, जो सेंटेंस कुछ बताता है। 5 तरह के सेंटेंसेस होते हैं मूड के आधार पर। एक एसर्टिव और डिक्लेरेटिव, पहला जो कुछ बताता है। इंट्रोगेटिव जो कुछ पूछता है। इंपरेटिव जो आदेश देता है। और ऑब्जेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी जो आश्चर्य या विशेष या कर्स आशीर्वाद या ये सब चीज देता हो। सो दीज आर द मूड्स ऑफ सेंटेंसेस। वेल तो एसर्टिव सेंटेंस, वैसे तो मैं बता दूं कि बेसिक स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑप्शनल वर्ड। ऑप्शनल वर्ड जरूरी नहीं कि उसके आगे वर्ड आए, और उसके आगे ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है, एडजेक्टिव भी आ सकता है, अकॉर्डिंग टू द वर्ब, जो भी वर्ब के बाद होना चाहिए। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब ही चलता है इंग्लिश में एसर्टिव में। मगर यदि कुछ सेंटेंसेस के पैटर्न जो बच गए थे और आप हो सकता है ना समझ पाए, उसके लिए डिटेल लेकर आए हैं। जैसे एसर्टिव सेंटेंस में सम मोर पैटर्न्स क्या है। Their hair is an adverb. इसको कभी कभी पहले लगाया जाता है दिखाने के लिए कि क्या हो रहा है। There lived a king. एक राजा रहता था। If you start a story, you have to start with like this. There lived a king. और suppose आप उसी नगर में खड़े होकर के बोल रहे हैं जहां राजा रहता था, तो बोलेंगे Here lived a king. Here lived a beggar. Suppose you are standing at the monument. आप किसी monument पे खड़े हैं और वहां से बोलना है कि यहां क्या हुआ था, and why this monument is here. So here died a person. Here died a person. For this cause. जब भी आप here there से sentence शुरू करते हैं तो आप कुछ बताने की कोशिश करते हैं, that is declaration. आप कुछ बताते हैं, एक हो सकता है एक स्टोरी शुरू हो रहा है या फिर आप दिखाते हैं कि ऐसा हो रहा है। सो हेयर कम्स माई फ्रेंड। आप किसी को दिखाना चाहते हैं कि ये देखो मेरा दोस्त आ गया। सो हेयर कम्स माई फ्रेंड, हेयर कम्स योर इंग्लिश क्लास। ये आ गया आपका इंग्लिश क्लास। बेसिकली ये दिखाने और बताने के लिए फॉर डिक्लेरेशन ही यूज होता है, अदरवाइज इस तरह देयर हेयर से सेंटेंसेस नहीं शुरू करते हैं। So, there goes the bus. जिस बस का इंतजार कर रहे हैं, सपोज वो सामने से जा रही है। So, there goes the bus. Past tense में भी यूज कर सकते हैं। वर्ब past tense में ले जाइए और past tense हो जाएगा। There lived a king. Here came my friend.
waited, but he couldn't find you. So for showing, for declaring, for demonstrating something, we have to start with here and there. उसके बाद verb और उसका tense के हिसाब से जो भी आप present में बोलना चाहते हैं तो present goes और comes. ज़्यादातर यदि third person singular number होगा तो verb में s yes लग जाएगा. Here comes Shyam. Suppose there is a in commentary, especially when cricket commentaries are going on, तो बोला जाता है ना, here comes Virat Kohli on the pitch. Here it goes for six. So यही दोनों structure है. Here, there, pronoun. Here it goes for six. To demonstrate, to show. There you understand the concept. वो समझ गया concept. There you understand the concept. यहां पर subjective case ही रहेगा. There you understand the concept. Here he comes. यानी यहां ही का इंतजार हो रहा था. हेयर ही कम्स. हेयर कम्स आवर प्रिंसिपल. सपोज किसी स्कूल या किसी प्रिंसिपल आ गए तो हेयर कम्स आवर प्रिंसिपल, जिसका इंतजार हो रहा है. हेयर कम्स द हीरो. सपोज देर इज अ वेरी टेंशन सिचुएशन इन द सीन और वहां पर अचानक हीरो की एंट्री होती है तो बोलेंगे ना, हेयर कम्स द हीरो. वेल, तो सब्जेक्ट वाले में हेयर इट वर्क्स. ये सपोज यू आर ट्राइंग फॉर मेंडिंग अ मशीन, आप किसी मशीन को ठीक कर रहे हैं और अचानक वो काम शुरू कर देता है, ये देखो चल गया, तो कैसे बोलते हैं? हेयर इट वर्क्स. कोई फॉर्मूला लगाने की कोशिश कर रहे हैं और अचानक वो लग गया और फाइनली इट इज डन, सो हेयर इट वर्क्ड. पास्ट टेंस या प्रेजेंट टेंस, डिपेंड आपका एक्शन कब कंप्लीट हुआ था, उस हिसाब से आप चूज. वर्ब के जगह आप वर्ब फ्रेज भी लगा सकते हैं, जैसे नॉर्मली पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस में ही वर्ब ये वाला स्ट्रक्चर यूज हो रहा है, लेकिन कोई भी वर्ब के जगह वर्ब का पास्ट टेंस और प्रेजेंट या फिर कोई भी वर्ब फ्रेज भी यूज हो सकता है. नाउन के जगह नाउन फ्रेज भी यूज हो सकता है. सब्जेक्ट के जगह दो तीन वर्ड भी, जैसे अ मैन. अ मैन क्या हुआ? अ मैन इज नाउन फ्रेज. सिंगल वर्ड इज नाउन और जब भी नाउन के साथ दो तीन शब्द रहे और वो नाउन का काम करे तो उसको नाउन फ्रेज बोलते हैं, और जब भी सिंगल वर्ड वर्ब का काम करे तो उसे वर्ब कहते हैं, और जब भी दो तीन वर्ड वर्ब का काम करे तो उसे वर्ब फ्रेज कहते हैं, और उसके बाद तो ऑप्शनल है, चाहे आप सेंटेंस लंबा करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट या फिर एडजेक्टिव, एनी काइंड ऑफ सेंटेंसेस या प्रीपोजिशन ऐड करके और नाउन या एड कंजंक्शन लगा करके और सेंटेंसेस ऐड कर सकते हैं. वेल, नाउ मूविंग अहेड, ये दोनों पैटर्न हेयर देयर वाले जो हैं वो डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए थे, और ज्यादातर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ही नाउन जो है और प्रोनाउन जो है वो यूज होते हैं. वेल, नाउ मूविंग अहेड, सब्जेक्ट इज एम आर वॉज वर प्लस टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म. ये टू प्लस वर्ब फॉर्म को इन्फिनिटिव बोलते हैं, फुल इन्फिनिटिव. बेयर इन्फिनिटिव बोलते हैं अकेला वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को, और टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म का मतलब होता है फुल इन्फिनिटिव. ये नाउन की तरह काम करता है, जैसे चलना टू गो, टू वॉक, दौड़ना टू रन. ये रन का मतलब दौड़ना नहीं है, दौड़ हो जाता है. रन मीन्स दौड़, दौड़ना बोलना है तो टू रन. टू रन इज अ गुड एक्सरसाइज, टू रन इज अ गुड एक्सरसाइज. तो ये जो 2 प्लस वी 1 होता है वो एक नाउन की तरह काम करता है, इन्फिनिटिव कहलाते हैं, फुल इन्फिनिटिव कहलाते हैं. इसका नाम है 2 प्लस वर्ब का मतलब फुल इन्फिनिटिव, और यदि वर्ब का फोर्थ फॉर्म है आईएनजी वाला तो उसको जीरण बोलते हैं, वो भी नाउन की तरह काम करता है. दो वर्ब से निकले हुए नाउन है, वो है फुल इन्फिनिटिव और जीरण. ये वर्ब से निकले हुए नाउन है. वेल, सब्जेक्ट इज एम आर वॉज वर 2 प्लस वी 1 मीन्स ही इज टू गो, वह जाने को है. He is to go. Corona is to lose the battle. Yani is ladai mein, is jang mein corona haarne ko hai. Matlab sure hai. When you are sure to express planning, when you are sure of something, to aap is tarah ke sentences bolenge.
वी आर श्योर टू विन, वी आर श्योर एडवर्ब है, एडवर्ब कहीं भी लगा सकते हैं, एडवर्ब आप जैसे पहले लगा सकते हैं कभी भी. वी आर श्योर टू विन, वी आर टू विन, वी आर टू विन, एडवर्ब आप यहां भी लगा सकते हैं. We are sure to win. हम लोग जीतने को पक्के हैं, दृढ़ हैं. उसी तरह से ये सब्जेक्ट की जगह लंबा सब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं. जैसे a man in blue dress was to kill him. एक आदमी ब्लू ड्रेस में उसको मारने को था. A man in blue dress was to kill him, object, उसके बाद other words, optional words. So this express क्या होने को था, what was about to happen. आप यहां adverb में sure भी लगा सकते हैं, about भी लगा सकते हैं, about to go. The train is about to go. The train was about to start. तो adverb तो आप लगा सकते हैं. And इसके प्लानिंग बताता है कि व्हाट एक्शन वाज इन गोइंग टू स्टार्ट. तो इस तरह के एक्शंस को भी जो प्लानिंग हो, होने को था, होने वाला था, होने को था, होने को पक्का था, इन सारे केसेस में आप ये सारे सेंटेंस के पैटर्न यूज कर सकते हैं. सो आप हर एक सेंटेंस पे, यू मस्ट मेक सेंटेंसेस ऑन ईच पैटर्न टू एंश्योर दैट यू आर लर्निंग वेल. आप अच्छे से सीख रहे हैं, इस चीज को पक्का करने के लिए आप सारे पैटर्न पर सेंटेंसेस जरूर बनाइए और खूब प्रैक्टिस कीजिए. और हमारे सारे स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, दे कैन सेंड इट फॉर चेकिंग. वो चेकिंग करने के लिए हमारे मेल पर भेज सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पे को भी यूज कर सकते हैं. और वी आर ऑलरेडी चेकिंग ऑफ मेनी स्टूडेंट्स एंड रिप्लाइंग देम. And we are getting good response. But still, I am waiting for large in numbers so that maximum people can get the benefit of this lockdown and they keep studying at home and they keep improving their skills. So keep it up with your this. I am trying my best to reach you and you should try to give the response. So share this video to all and to how many people, whatever people you can reach. So keep on sharing. Well, now, जब आगे हम चाहें, टू इन्फिनिटिव इज वॉज इन्फिनिटिव, जीरंड इज वॉज जीरंड. जैसे गोइंग वॉज रिस्किंग लाइफ, जाना अपने जान को जोखिम में डाल रहा था. गोइंग वॉज रिस्किंग, या स्पीकिंग इज रिस्किंग, बोलना भी एक जोखिम उठाना है, कहीं कुछ गलत. To speak is to risk. बोलना जोखिम उठाना है. जोखिम कोई बड़ा नहीं है. Only people can laugh, nothing else. So you must take this risk. Well, so 2 plus V1, that is full infinitive, चाहे जीरण. इधर है तो फिर आप verb is. देखिए ये भी उसी तरह है, subject, verb, object. सारे sentences वही है, subject, verb, object. आपको समझना है कि सब्जेक्ट के जगह फुल इंफिनिटिव आ रहा है या सब्जेक्ट के जगह नाउन फ्रेज आ रहा है, सब्जेक्ट के जगह सिंगल नाउन आ रहा है, सब्जेक्ट के जगह प्रोनाउन आ सकता है. उसी तरह वर्ब के जगह इनट्रांसिटिव वर्ब आ सकता है, वर्ब के जगह ट्रांसिटिव वर्ब आ सकता है, वर्ब के जगह लिंकिंग वर्ब आ सकता है. बस पोजिशन आप चेंज करते जाएंगे और उसी को यूज करते हैं. यू विल कीप प्लेइंग विद द स्ट्रक्चर, यू विल कीप प्लेइंग विद द वर्ड्स, और आपको तरह तरह के सेंटेंसेस आते रहेंगे. जितना प्रैक्टिस करेंगे आप, फाइनली आपके सामने बहुत छोटे छोटे रूल्स आएंगे. द मोर यू प्रैक्टिस विल कम टू नो कि इंग्लिश बहुत ही ईजी है और सारा बहुत छोटे से पैटर्न पे चल रहा है. एंड यू आर जस्ट वरीड विदाउट एनी कॉज एंड रीजन. वेल, द फुल इन्फिनिटिव इज वॉज फुल इन्फिनिटिव. टू स्टडी इज टू पास, पढ़ना पास करना है. टू लर्न इज टू लिव लाइफ, सीखना जिंदगी जीना है. लर्निंग इज लिविंग लाइफ. आगे ऑप्टेटिव सेंटेंस में किस तरह के स्ट्रक्चर्स रहते हैं. ऑप्टेटिव में क्या होता है, आशीर्वाद देना या कर्स देना है, ब्लेसिंग और कर्स. मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू,
May you get the best job. May he go to hell. Curse. तो blessings और curse करना होता, that is a very simple structure. Optative may plus subject plus verb plus object. Now coming to again basic structures. Basic इसको समझ लेंगे ना, subject plus verb plus उसके बाद optional words. तो आप almost सारे structures समझ रहे हैं, क्योंकि वो सारे structures उसी basic structure से derive किया हुआ है. Well, subject फिर से बता दें, subject can be any noun, any pronoun, और दो वर्ड, तीन वर्ड, चार वर्ड मिलकर के भी सब्जेक्ट. जैसे द बॉय हु मेट मी यस्टरडे, जो लड़का कल मुझसे मिला था, इज वेटिंग आउटसाइड, वो बाहर इंतजार कर रहा है. द बॉय हु मेट मी यस्टरडे, ये पूरा सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट को पहले पहचानना बहुत जरूरी है. मैंने पहले क्लास में भी बोला था, द डे यू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट, आपका आधा काम हो गया. यदि हमारे 10 वर्ड सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, यानी जिसके बारे में आप सेंटेंस बात कर रहे हैं उसके लिए 10 वर्ड यूज हुआ है, तो पूरा का पूरा सब्जेक्ट है. हो सकता है वो नाउन फ्रेज नाउन क्लॉज हो जाए. तो सब्जेक्ट नाउन क्लॉज भी हो सकता है, नाउन फ्रेज भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, इंफिनिटिव फुल इंफिनिटिव हो सकता है, जीरंड हो सकता है सब्जेक्ट. सो द बॉय हु वाज, द बॉय हु मेट मी यस्टरडे, सब्जेक्ट, इज वेटिंग आउटसाइड एडवर्ब, ऑप्शनल वर्ड, इज वेटिंग. द बॉय हु मेट मी यस्टरडे इज वेटिंग आउटसाइड, इनसाइड, दैट साइड, ऑप्शनल वर्ड है. आप बढ़ा रहे हैं सेंटेंस को. सो ऑप्शनल वर्ड कम टू एक्सटेंड और एलोबरेट और टू इनलैच. उसी तरह से सब्जेक्ट छोटा भी हो सकता है. ही इज वेटिंग, ही राइट्स, ही रीड्स. ध्यान रहे, जितना बार आप ऐसे एप्लीकेशंस किसी तरह के फॉर्मेट क्रिएटिव राइटिंग आप कर रहे हैं, आपके पैटर्न को ध्यान रखिए. जिसके बारे में बोलना चाह रहे हैं वो सब्जेक्ट क्लियरली मेंशन्ड हो, वो चाहे एक वर्ड का सब्जेक्ट हो या फिर 10 वर्ड्स के हो, हार्डली मैटर्स. वन वर्ड और 10 वर्ड्स, सब्जेक्ट लंबा भी हो सकता है, कितना लंबा भी हो सकता है जिसके बारे में बात कर रहे हैं. सब्जेक्ट एंड देन द वर्ब. A verb plus optional word plus other words all are called predicate. वो सारा चीज यहां के बाद मिला करके predicate बोला जाता है. लेकिन मैं उसको verb, predicate का सबसे important part को निकाल के रखता हूं, that is verb. Verb chapter पढ़ने के लिए YouTube channel में जाइए. Verb, different kinds of verb अलग से loaded है. You can type verb और सारे verb के chapters को एक बार देख लीजिए. आपके कंपटीशन में जाने के लिए बिल्कुल रास्ता क्लियर हो जाएगा. There will be no doubt left. यदि किसी तरह का आपको doubt होता है, just question, put your question in the comment section. I hope the things are very clear and transparent. Have a great time. See you.